हेलो हाँ जी, तुम्हें आइडिया है कि टेस्ट की डेट फिर से एक्सटेंड हो गई? ऐसा कुछ आइडिया है तुम्हारे पास? पता है किसी को ये बात? सर, नहीं नो सर। पता? अच्छा ठीक है, चलो मंडे ही होगा। क्वेश्चंस किए कल? मैंने यस कल क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने? सर, कंप्लीट हो गया चैप्टर? चैप्टर कंप्लीट हो गया? नो सर, अभी तो नहीं हो क्या रहा है। नहीं, नहीं। आज डाउट्स नहीं, आगे बढ़ाएं? क्या करें आज? डाउट्स? देखिए आज क्वेश्चंस करते हैं। सर्कुलर मोशन, बात पार एनर्जी, ठीक क्वेश्चन। कल तुम्हारे डाउट लेंगे कल से, है ना? फिर प्रैक्टिस करवा देते हैं आज। ए पार्टिकल इज कंटेनिंग टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑसिलेशन, ये रहने देते हैं। बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज एट रेस्ट, एक पेंडुलम है ये। इसका वेलोसिटी इम्पार्ट की, दैट वेलोसिटी इज √10 gl, इज ग्रेटर देन √5 gl। क्या होगा इसमें? सर्कल में घूमेगा। सर्कल में घूमेगा। एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन कितनी थी? एट हाईएस्ट पॉइंट टेंशन, इफ वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज √5 gl, देन द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज √gl, एंड टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो जीरो। अब यहां पर मैंने कहा था कि तेज तो तुम कितना भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड कितनी बढ़ा लो उससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बस ध्यान रखना स्ट्रिंग ना टूट जाए तुम्हारी, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वेलोसिटी √5 gl से ज्यादा है, सारी चीजें हमसे कैलकुलेट करवाई जा सकती हैं। उनसे पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन √10 gl वेलोसिटी टेंशन दी, 10 gl टेंशन फाइंड करनी है हम लोगों को। हट जाओ, चला लूं अभी ना सर। नहीं चलाई अभी वीडियो, पता क्या सिस्टम बदलने के बाद भी पता नहीं कैसे, क्या कौन ऐसा गंदा इंसान। सिक्योरिटी हाँ कितना बढ़िया है?
एक कल के ही है, कल के ही है, कल के ही है बिस्किट। फोन मिला रहे हैं सर किसी को। लोकेश, लोकेश मेरे को ना को होस्ट बनाया कर यार है ना, कुछ बच्चे मतलब तो माइक ऑन करके भूल जाते हैं, उनके डिस्टरबेंस आते हैं। हाँ भी बना रहे हैं। हाँ जी देखिए, तो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज रूट 10 gl एंड दैट वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रूट 5 gl एंड द टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट। फर्स्ट पार्ट, थ्री पार्ट्स इस क्वेश्चन में। द फर्स्ट पार्ट इज द टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, सेकंड एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट एंड थर्ड when string makes angle 60 degree with vertical upward. वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट है रूट टू 10 gl। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके हम लोग पहले सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जब ये हॉरिजॉन्टल में, यहाँ पर जब ये है इस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी, और तुम्हें टेंशन पता करनी है यहाँ पर, टेंशन कितनी है डाउनवर्ड एम जी, वेलोसिटी भी पता करेंगे। वेलोसिटी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, सपोज ये वी एच हॉरिजॉन्टल, तो जब है ये तो मान लेते हैं कि वी एच हॉरिजॉन्टल, जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर टेंशन जो है, टेंशन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मींस एम एच, तो फिर हाईएस्ट पॉइंट के लिए हो जाएगा, कंफ्यूज रहोगे क्या लिखें इसको, पी लिख देता हूँ, पी इस पॉइंट इज पी, एम वी पी स्क्वायर बाय आर, ये टेंशन है। टेंशन यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, तुम्हारा काम यह है कि वेलोसिटी इस पॉइंट पर कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी, बताओगे जरा मुझे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट हो सकती है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा के वर्टिकल सर्कल मोशन में हमें पता है कि सिर्फ एक ही फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हालांकि एक टेंशन भी है पर टेंशन वर्क कर नहीं पा रहा है, टेंशन का वर्क हमेशा जीरो होता है, तो एक ही फोर्स है दैट इज mg। mg कंजर्वेटिव फोर्स है, वो टोटल एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, तो हम लिखते हैं टोटल एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस इनिशियल, ये लोवेस्ट लेवल है तुम्हारा, जैसे को हम रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, रेफरेंस लेवल पर हाइट जीरो, यू एफ माइनस यू आई प्लस के एफ माइनस के आई इज जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू स्ट्रिंग लेंथ आर, रेडियस जो लेंथ की इक्वल होता है एम जी लिख लेते हैं, यू इनिशियल इज जीरो प्लस हाफ एम फाइनल वेलोसिटी उस पोजिशन पर, एम वी पी स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल स्क्वायर इज, इनिशियल इज रूट 10 gl उसका स्क्वायर 10 gl इज इक्वल टू जीरो। ये एम जी एल और ये माइनस 5 mg/L 6 mg/L, तो हाफ एम वी पी स्क्वायर, ये माइनस 5 और ये प्लस 1 माइनस 4, उधर जाके 4 हो जाएगा, 4 mg/L। एम वी पी स्क्वायर अगर हम देखें, एम वी पी स्क्वायर इज 8 mg/L। एम वी पी स्क्वायर की कंप्लीट वैल्यू हमें चाहिए, टेंशन जो है, टेंशन हमारे पास है एम वी पी स्क्वायर बाय आर, एम वी पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8 mg/L बाय एल इज इक्वल टू 8 mg। टेंशन व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल इज
8 mc। ये सब चीजें तुम्हें मतलब बिल्कुल सेम केस वही है, बस मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वेलोसिटी रूटीन वेलोसिटी नहीं है या मिनिमम वेलोसिटी नहीं है। उस केस में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सारे फंडामेंटल्स फिर से यूज करने पड़ेंगे जो इनिशियली था। कि तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि हमने कहा कि वेलोसिटी 3cl + 2cl cos थीटा की इक्वल होती है रूट, वो तुम यूज कर सकते हो अगर वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट इज मिनिमम एंड दैट इज रूट 5cl। पर यहाँ पर तो वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही दे दी तो तुम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, सारी चीजें तुम्हें फिर से कैलकुलेट करनी है और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन लेंगे जिसमें वेलोसिटी लेस देन रूट 5cl है, उसको डिस्कस करेंगे। एक ग्रेटर का था ताकि तुम्हें फॉर्मूला बेस्ड काम ना करो, फंडामेंटली सोचो चीजों के बारे में, इसलिए था ये। सेकंड है कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले देखो वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट और एनर्जी एट ईच पॉइंट इज सेम बिकॉज देयर इज ओनली वन फोर्स हु इज डूइंग वर्क एंड दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से कभी टोटल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आते हैं हम तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके उसकी डायनेमिक्स देख लेंगे क्या है। तो हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं, ये फाइनल है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो। यहाँ पर वेलोसिटी पता नहीं है कितनी है, इसमें रूट जीएल नहीं है, यहाँ पर रूट 10 gl है, यहाँ पर पता करनी है हमें v एट हाईएस्ट पॉइंट। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जीरो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज जीरो। यू फाइनल एम जी इंटू हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल, इनिशियल पोजिशन इज रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल पर हाइट जीरो है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब वो है उस टाइम उसकी हाइट हो गई 2l माइनस जीरो प्लस काइनेटिक फाइनल एनर्जी हाफ एम वी एच स्क्वायर वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस के आई, तो हाफ एम रूट 10 gl इनिशियल वेलोसिटी, इसका स्क्वायर करेंगे 10 gl इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस 5 mg/l और ये 2 mg/l माइनस 3 mg/l उधर जाके प्लस 3 mg/l, तो एम वी एच स्क्वायर अगर यहाँ से लिखें तो डायरेक्ट आता है 6 mg/l। डायनेमिक्स देखें इस पॉइंट पर, टेंशन डाउनवर्ड, एम जी भी डाउनवर्ड, टी भी यही है और एम जी भी इधर ही है। तो इसी डायनेमिक इक्वेशन देखें तो टी प्लस एम जी इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी एच स्क्वायर बाय आर। इसका मतलब ये हुआ कि टी इज एम वी एच स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एल माइनस एम जी। एम वी एच स्क्वायर की वैल्यू आती है 6 mg/l। सर ये एम वी एच स्क्वायर बाय एल ही रहेगा, 2l नहीं होगा। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर, और रेडियस पुट करना था, ये आर क्या होता है, रेडियस, रेडियस एल रहेगा 2l हो जाएगा, एल रहेगा एम वी एच स्क्वायर, एम वी एच मतलब 6 mg/l बाय एल माइनस एम जी दैट इज 5 mg। ये टेंशन हाईएस्ट पॉइंट की है। एक और हमसे कहा गया कि सी पार्ट, व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड, वर्टिकल अपवर्ड के साथ जब स्ट्रिंग का एंगल 60 डिग्री है उस टाइम टेंशन बताओ कितनी होगी। तो ये तुम्हारी लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी हमें पता है गिवन है, तो रूट 10 gl, ये वर्टिकल अपवर्ड ये हो गया, इसके साथ थीटा जो है 60 डिग्री है, ये थीटा बाद में यूज कर लेंगे। इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी कुछ इस साइड, ये v, v एट थीटा लिख लेते हैं इसको। तो डायनेमिक इक्वेशन तो बाद में लिखेंगे, विदाउट कैलकुलेटिंग वेलोसिटी तुम लोग टेंशन कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो पहले वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद टेंशन पर आएंगे, डायनेमिक इक्वेशन बाद में लिख देंगे।
तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर भी, चाहे पार्टिकल कहीं चला जाए पूरे सर्कुलर मोशन में, इसकी इसकी टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। और ये हाइट में मान लेता हूँ एच है, तुम्हें हाइट बता सकते हो कितनी है? एच इज इक्वल टू, ये हाइट कितनी है? स्ट्रिंग लेंथ इज एल, स्ट्रिंग लेंथ इज एल, देन हाइट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम रेफरेंस लेवल और फ्रॉम लोअर मोस्ट पोजीशन एल प्लस एल कॉस थीटा। ये यहाँ से यहाँ तक तो एल हो गया, तुम्हें पता ही है, तो गिवन है कि एल है। तुम्हें ये हाइट चेक करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हाइट कितनी है? 3/12, 3/12, थीटा इज 60 डिग्री, तो 3/12। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये एल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हमेशा कॉस होता है हाइपोटन्यूज का, और परपेंडिकुलर साइन होता है। तो हाइपोटन्यूज है, तो ये जो लाइन है ना जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो लेंथ, वो एक्चुअली इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, और बेस कॉस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एल कॉस थीटा है। तो यहाँ से यहाँ तक एल है और उसके ऊपर एल कॉस थीटा है, तो कंप्लीट लेंथ होगी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, या एल प्लस एल कॉस थीटा। कॉस थीटा इज 60 डिग्री, कॉस 60 इज 1/2, तो 3L/2 हम यही यूज कर लेंगे, 3L/2। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, ये हमने मतलब ऊपर की साइड एंगल क्यों लिया, हम नीचे की साइड नहीं ले सकते? उसकी स्टेटमेंट है कि वर्टिकल अपवर्ड के साथ एंगल थीटा है। स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल अपवर्ड, है ना? तो नीचे की तरफ लेंगे तो डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड हो जाएगा ना वो एंगल। ओके सर, तो ये थीटा 60 डिग्री है, वर्टिकल अपवर्ड के साथ दिया हुआ है। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के हम यूज करना चाहते हैं, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज अगेन जीरो। यू फाइनल एम जी इनटू हाइट, हाइट इज 3L/2, इनिशियल इज जीरो, के फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, हाफ एम वी थीटा स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर दैट इज 10 GL is equal to zero. Three by two mgl plus half mv theta square minus 5 mgl equal to zero. So minus 5 है ये, और ये 3/2, तो मतलब ये हो गया minus 7/2. Sorry, 7/2. तो उधर जाके 7 हो गया, एम वी थीटा स्क्वायर, एम वी थीटा स्क्वायर इज 7 mgl। ये एम वी थीटा स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब इसकी डायनेमिक्स देख लेते हैं, डायनेमिक्स क्या कहती है। हमें पता है कि सारे फोर्स ना रेडियस के अलोंग होने चाहिए, ये एम जी है, इधर टेंशन है, इधर ये थीटा है, तो सारे फोर्स अगर उसके अलोंग है तो सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? mg का कंपोनेंट भी तो आएगा ना, mg इज नॉट अलोंग द रेडियस। सारे फोर्स रेडियस के अलोंग होने चाहिए, तो mg का कंपोनेंट लेके जाएंगे उधर, mg को उधर लेके जाएंगे रेडियस के अलोंग, तो mg का कंपोनेंट वहां जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि थीटा एंगल गिवन है कि वर्टिकल के साथ इसका एंगल थीटा है। एक कंपोनेंट और आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एमजी साइन थीटा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? टेंशन प्लस और कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन प्लस एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम v theta square by r. mv theta square की वैल्यू हम यहाँ से ले 7 mgl और ये r l है तो 7 mg है, राइट हैंड साइड 7 mg. mg cos 60 is 1/2. टेंशन हो गया 7 minus 1/2 is 13/2. ये है थीटा एंगल 60 डिग्री पर, ये टेंशन आती है। तो हमने तो एक तो स्टैंडर्ड केस हमने डिस्कस किया हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सर्कल इन वर्टिकल प्लेन,
उसके अलावा केस ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी का रूट 5gl से कम हो या उससे ज्यादा हो, तो ये ज्यादा का केस है। तो फॉर्मूला जो तुम्हें याद है या मैंने लिखवाए थे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड केस के लिए है। और स्टैंडर्ड केस हमारा क्या है कि वेलोसिटी मिनिमम है उस टाइम के लिए, वो सारे फॉर्मूला तुम डायरेक्ट उठा के फॉर्मूला यूज मत करना, है ना। पहले चेक कर लेना कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5lg है या नहीं है, तो फिर वो सब तुम यूज कर सकते हो। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, आगे चले, हो गया ये। चलिए बात करते हैं उसकी। अगर वेलोसिटी लेस देन रूट 5lg है तो क्या होगा? The bow of a pendulum is at rest, is given a sharp hit to impart a horizontal velocity u, where L is length of the pendulum. Find the angle rotated by the string before it becomes slack. वेलोसिटी इसने दी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। वेलोसिटी कुछ होगी, वेलोसिटी रूट 3gl ऐसे लेके चलते हैं। चलो देखो, ये पेंडुलम है, ऑफ लेंथ एल, वेलोसिटी एट लोअर मोस्ट पॉइंट इज इक्वल टू रूट 3lg। तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इसका, इस पेंडुलम का क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा इस पेंडुलम के साथ? सेंटर के लेवल को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये चीज देख लो। सेंटर के लेवल को, सेंटर क्रॉस कर जाएगा सेंटर के लेवल को, क्योंकि रूट 2gl से या रूट 2lg से ज्यादा वेलोसिटी है। वर्टिकल सर्कल कंप्लीट भी नहीं करेगा, ये भी हमें पता है, क्योंकि रूट 5lg चाहिए मिनिमम, रूट 3lg है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो एक केस बचता है हमारे पास कि सेंटर के लेवल से ऊपर जाता है कुछ ऐसे, सेंटर के लेवल से ऊपर गया, यहाँ तक गया, समझो यहाँ तक चला गया, ये रहता है अल्फा एंगल गया, उसके बाद इसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलना बंद हो गया, इसके बाद इसका प्री फॉल होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा, वेलोसिटी इधर होगी, इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी कुछ थीटा। इस पॉइंट पर ये, एट दिस पॉइंट पी, एट पॉइंट पी पार्टिकल लीव सर्कल, सर्कल को लीव कर देता है, सर्कल में नहीं रहे, उसके बाद पी पॉइंट पर आने के बाद वो सर्कल को लीव कर देता है। इसका मतलब क्या है, तुम्हें क्या कंक्लूड करना है, जिस पॉइंट पर वो सर्कल लीव करता है ना, क्या कंक्लूड करोगे वहां से, क्या बोलोगे? वहां टेंशन जीरो हो जाएगी, उस सर्कल में रहेगा तो टेंशन, सेंट्रीपेटल फोर्स ही है तब तक वो टेंशन रहेगी उसमें, सर्कल में घूमता है तो टेंशन इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी है ना, तो टेंशन एट पॉइंट पी इज जीरो। हमें पता करना है कि कहां पर इस सर्कल को लीव किया, मतलब तुम्हें अल्फा तुम्हें कैलकुलेट करना है, कितना एंगल कवर करने के बाद इस सर्कल को लीव कर देता है। ये एंगल वर्टिकल अपर जो है, ये एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है, तो थीटा इज पाई माइनस अल्फा,
थीटा इज पाई, बिकॉज दिस थीटा प्लस अल्फा इज पाई, तो थीटा इज पाई माइनस अल्फा, हम थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारी थोड़ा सा कैलकुलेशन कम और सिंपल रहेगी, और थीटा जब आ जाएगा उसके बाद अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा इज पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी कैलकुलेट करो यहाँ पर एट दिस एंगल थीटा विद द वर्टिकल अपवर्ड, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज जीरो, हाइट, हाइट में पता है वही है एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा या एल इंटू एल प्लस एल कॉस थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार सेम इक्वेशन लिखने का फायदा नहीं होता, एम जी इंटू एल प्लस एल कॉस थीटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल दैट इज जीरो प्लस हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, इस पॉइंट की हाफ एम वी पी स्क्वायर या वी थीटा स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी इज रूट थ्री एल जी, उसका स्क्वायर करेंगे तो थ्री एल जी आता है। जो हमें कैलकुलेट करना है vp velocity at point p minus 3 by 2 mgl is 0। ये mgl है और ये minus 3m 3 by 2 mgl है, तो माइनस वन बाई टू एम जी एल उधर जाएगा, तो हाफ एम वी पी स्क्वायर अगर हम देखें, हाफ एम वी पी स्क्वायर इज एम जी एल बाई टू, इन दोनों से तो ये आ गया इस टर्म से और इस टर्म से, माइनस वन बाई टू उधर जाएगा पॉजिटिव हो गया, एम जी एल कॉस थीटा इधर पॉजिटिव टर्म है उधर जाके नेगेटिव हो जाती है, एम जी एल कॉस थीटा, एम वी पी स्क्वायर इज MGL minus 2 MGL cos theta। ये MVP square की value आ गई, ये हमें direct जरूरत होती है MVP square, use कर लेंगे। यहाँ पर dynamic equation और लिखो, इसकी dynamical equation क्या लिखी जाएगी? देखिए सारे फोर्स में रेडियस स्केल में होने चाहिए, टेंशन तो होती है रेडियस स्केल में, और ये mg है वर्टिकल डाउन, कंपोनेंट लेके जाओ उसका रेडियस स्केल में, एम जी कॉस थीटा टेंशन, एम जी साइन थीटा, सेम टेंशन टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपेटल फोर्स, टेंशन जीरो हो गई है, टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज प्रोवाइडिंग एम वी पी स्क्वायर बाय आर, ये टेंशन इज जीरो प्लस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, MVP square is MGL minus 2 MGL cos theta by L, MG cos theta is equal to MG minus 2 MG cos theta, ye hua 3 MG cos theta is equal to MG, MG se MG cancel, cos theta is 1 by 3, theta is cos inverse 1 by 3, alpha is pi minus theta, हमें तो alpha चाहिए, तो pi minus cos inverse 1 by 3, ये तुम्हारा answer है, pi minus cos inverse 1 by 3, समझ में आई? अगर वेलोसिटी हमारी लेस देन रूट फाइव एल जी है तो उस केस में कैसे डील कर रहे हैं? ऐसे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, पार्टिकल ऑफ मास एम इज कैप्ट ऑन ए फिक्स्ड स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एट ए पोजीशन वेयर द रेडियस थ्रू द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल
The particle is released from this position. What is the force exerted by the sphere on the particle just after release? देखिए क्वेश्चन देखो पहले क्या है. पार्टिकल जो है यहाँ पर है कि इसका वर्टिकल यहाँ पार्टिकल ये यहाँ से इसको रिलीज किया गया और जब इसको रिलीज किया तो इसका एंगल जो है थीटा थीटा जो है वो 30 डिग्री है. Release from the position. When R makes angle theta, that is 30 degree with vertical. उसको यहाँ से release किया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इस point पर इसकी velocity zero है. इस point पर इसकी velocity zero है. हाँ जी सर, इसमें तो वर्टिकल अपवर्ड नहीं बोला, इसमें भी तो हम नीचे ले सकते हैं ना. एक मिनट. पार्टिकल रखने हैं मुझे, रख दूँ पार्टिकल रखने हैं, रखें पार्टिकल रखो ऐसी जगह कि उसका रेडियस वेक्टर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है ना. तो मैं पार्टिकल रखता हूँ यहाँ पर, ये वर्टिकल हो गया 30 डिग्री, ये रख दो पार्टिकल. अब ठीक है, अब ठीक है क्या? A particle released from this position. If a particle is released from the position when it makes an angle 30 degree with the vertical, as shown figure number 2. मुझे तो नहीं पता, मतलब मैंने तो ऐसे ही बना दिया, वो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है. तो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग सेकेंड डायग्राम ठीक है? ठीक है ये. बोली ना सर, मुझे तो ठीक ही लग रहा है. ठीक लग रहा है. अब क्या होगा, इसको यहाँ से रिलीज करेंगे तो नीचे आएगा. अभी ये सर्कल के लंब जाएगा, सीधा नीचे रहेगा. किधर जाएगा ये, किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा? सीधा नीचे. सर्कल का या स्फीयर का रोल ही क्या है, वो कर क्या रहे, कुछ नहीं कर रहा. काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया, स्फीयर की जरूरत ही क्या थी, सीधा नीचे जाएगा. सिंपल काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है कि पार्टिकल को रिलीज किया गया, बात खत्म. 30 डिग्री से किया गया और ये सब की जरूरत ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उस बात का. इस क्वेश्चन में क्या है कि पार्टिकल सरफेस के अलोंग पार्टिकल जो है सरफेस के अलोंग मूव करता हुआ आएगा, मतलब सरफेस के अलोंग यहाँ ऐसे मूव करेगा, इस सरफेस के ऊपर आएगा ऐसे ऐसे घूमता हुआ, और किसी पॉइंट पर आके ये भी सर्कल को छोड़ देता है. पर कुछ पर्पस तो सॉल्व हो रहा है हमारा, कि वर्क पर एनर्जी का वर्टिकल सर्कल हम पढ़ रहे हैं, तो वो तो मतलब हमारे उसके बाहर चला जाता है हमारी कंडीशन के, हम पढ़ ही नहीं रहे वो चीज़. तो जो वहाँ बनता है केस, वो काइनेमेटिक्स बन जाता है. और यहाँ पर कहें तो नॉन सेंस हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करना. ओके सर. देखिए
तो हम आगे आते हैं, क्या था क्वेश्चन कि इस पॉइंट से इसको रिलीज किया गया, थीटा 30 डिग्री को रिलीज किया गया। अब पूछा क्या है वो बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज। तुम लोग मेरी हेल्प करोगे इसमें, मुझे थोड़ा बताओगे कि क्या है ये, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड। फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्फीयर, क्या पूछा गया है तुम लोगों से बताओ, बस मुझे यही बताओ कि पूछ क्या रहे ये। फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्फीयर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पूछा जा रहा है, बताओ कितना हो। तुम बता सकते हो विदाउट यूजिंग पेन, तुम ऐसे देख करके बता सकते हो कि कितना नॉर्मल आएगा यहाँ पर ऑन द पार्टिकल। कभी हम लोगों ने ऐसे दो तीन कैलकुलेशन की है अभी ऊपर, ऑन द पार्टिकल जस्ट आफ्टर रिलीज। Find the distance traveled, second part. Find the distance traveled before it leaves the circle, a contact, before it leaves contact with sphere. हाँ जी, हाँ फर्स्ट पार्ट हुआ कैलकुलेट, क्या आएगा यही सॉल्व कर लेते हैं। e plus mg cos theta, e t plus mg cos theta, mg cos theta, t टेंशन होती है, टेंशन स्ट्रिंग में होती है, यहाँ कोई स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ स्ट्रिंग ही नहीं है, टेंशन कहाँ से लाएंगे हम। इसकी डायनामिक्स देखते हैं क्या बनती है, डायनामिक्स पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, दैट इज mg, एक फोर्स लगेगा mg, दैट इज डाउनवर्ड। एक पार्टिकल और ये स्फीयर सरफेस जो स्मूथ स्फीयर है, तो फ्रिक्शन तो होगा नहीं, स्मूथ स्फीयर के कांटेक्ट में पार्टिकल है, दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स आएगा। पार्टिकल स्फीयर के ऊपर लगाता है, स्फीयर वापस लगाता है, डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, सरफेस स्फेरिकल है और स्फेरिकल सरफेस का परपेंडिकुलर रेडियस होता है, मतलब पार्टिकल के ऊपर एन इस साइड लगता है। और पार्टिकल का मोशन जो है अलोंग द सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस के अलोंग है, और तो इस पॉइंट पर सारे फोर्स जो है नॉर्मल के अलोंग होने चाहिए। इधर एक कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, इधर आएगा एम जी साइन थीटा। और स्पाइन से इसको रिलीज किया गया तो यहाँ पर इसको सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं चाहिए, इसकी वेलोसिटी जीरो है, एम वी स्क्वायर बाय आर जो रिक्वायरमेंट होती है वो जीरो है। और अलोंग इसका जो मोशन होगा, इसका जो मोशन है दूसरे डायग्राम बनाता हूं, इसका जो मोशन है मोशन होगा टेंजेंट के अलोंग, मोशन इधर होगा, एक फोर्स हमारा इधर आया एन, कंपोनेंट्स बना रहा हूं मैं सीधे, ये सेंटर है एम जी कॉस थीटा, एक फोर्स इधर आएगा एम जी साइन थीटा। लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होता है अगर सर्कल में नहीं है तो, और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, इसकी वेलोसिटी जीरो है तो सर्कल का तो मतलब ही नहीं बनता। लाइन ऑफ मोशन इसका ये रहेगा टेंजेंट के अलोंग, तो नेट फोर्स अलोंग दिस लाइन इज एन
या लिख सकते टूवर्ड सेंटर लिख देते हैं, टूवर्ड सेंटर एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, एंड हियर वी इज जीरो, दैट मींस एम वी स्क्वायर बाय आर इज आल्सो जीरो एंड एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा. फर्स्ट पार्ट तो ये था. सेकेंड पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बिफोर इट लीव्स द कॉन्टेक्ट विद द स्फीयर. तो हम मान लेते हैं किसी इसको 30 डिग्री से रिलीज किया गया था, और ध्यान से देखने से थोड़ी कैलकुलेशन तुम्हें लग सकती है. ज्यादा सर्कल थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि तुम्हें साफ साफ दिखाई दे जाए. वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इनिशियली, वो यहाँ था 30 डिग्री से रिलीज किया था उसको, है ना, 30 डिग्री दिया था ना, 30 डिग्री जब वो था यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये एंगल थीटा है, और यहाँ जाने के बाद जब वो यहाँ पहुँचता है एंगल अल्फा पर, ये एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा पर वो कॉन्टैक्ट लीव कर देता है. उसे ये क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स द कॉन्टैक्ट, इट लीव्स द कॉन्टैक्ट विद स्फीयर. तो इनिशियल पोजीशन जो मैंने आई लिखा है वो है, और फाइनल पोजीशन व्हेन इट मेक्स इट्स रेडियस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल इस पॉइंट पर, ये फाइनल है, ये फाइनल पॉइंट है. यहाँ पर वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी पता नहीं कितनी है, मैं मिल देता हूँ कि यहाँ वेलोसिटी, व्हेन इट लीव्स द कॉन्टैक्ट एट फाइनल पॉइंट एफ, द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज वी, वेलोसिटी इज वी. तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से हम लोग वी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सर्कल को डील करने के लिए बहुत जरूरी है पता हो तुम्हें वेलोसिटी कितनी है, डायनेमिक इक्वेशन लिखने के लिए. यहाँ पर जो फोर्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं है. हाँ, पार्टिकल जो है वो एक स्फीयर के कॉन्टैक्ट में रहता है, तो एक नॉर्मल फोर्स जरूर आएगा, एक एम जी आएगा. यहाँ पे दो फोर्स हैं, वहाँ थे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का फोर्स टेंशन एंड एम जी, यहाँ पर है नॉर्मल एंड एम जी. और ये बात भी हमें पता है कि नॉर्मल काम नहीं करता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सर्फेस रहता है, तो नॉर्मल का वर्क जीरो हो गया. यहाँ भी सिर्फ mg है, यहाँ भी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ भी डेल्टा यू प्लस डेल्टा के जीरो. तो इस डेल्टा यू प्लस डेल्टा के की हेल्प से हम लोग इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं फाइनल पॉइंट पर. उस फाइनल पॉइंट पर जाने से पहले मुझे हाइट भी चाहिए, हाइट कितनी होगी. कितना वो नीचे आया है, कितना वो नीचे आया है, यहाँ तक आया है वो. तो इस हाइट की जरूरत पड़ने वाली है मेरे को, तुम लोग बता सकते हो ये हाइट कितनी है, एच बताओगे जरा मुझे, एच कितने, एच की वैल्यू कितनी है. H कितने है? L minus L cos alpha. नहीं, और कोई बताओ, और थोड़ा ट्राई करो. L cos theta minus L cos alpha. और कोई बताओ कितना आएगा, हाइट बताओ, तुम्हें ही बतानी है, मैं नहीं इनका कैलकुलेट करूंगा, मेरे को नहीं आती, तुम बताओ. दिस एच इज
बोलो ना जल्दी, क्या कर रहे हो? आर्यन आर्यन सेल कॉस थीटा, सेल कॉस थीटा नहीं, अक्षर कौशिक, आर्यन एल कोस थीटा माइनस फाइव, फाइव फाइव का है यहाँ पर, फाइव तो है नहीं कहीं, निकाल से आ गया, अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा एल कोस थीटा माइनस अल्फा, थीटा माइनस अल्फा नहीं, आर्यन सोनिया सर, एल कोस थीटा माइनस एल कोस अल्फा, हर्षिज्ञा, आयुषी, आयुषी एल कोस थीटा माइनस अल्फा, किरण, किरण मगर ऐसे बोलोगे नहीं तो फिर तो मैं, मुझे लगता है कि तुम्हें रिमूव कर देना, अब तुम हो या कनेक्ट करके चले गए मुझे क्या पता, कल से वीडियो ऑन करके बैठोगे तुम सब, कल से वीडियो ऑन, माइक ऑफ वीडियो ऑन, प्राची, प्राची विवेक, विवेक बहुत बढ़िया, कब से तुम्हें वीडियो ऑन करके बैठाएंगे। देखिए एच हमें कैलकुलेट करना है, एच अगर हम यहां से देखें तो एच है क्या, ये हाइट चेक करो, ये हाइट कितनी है, ये हाइट, और फिर ये हाइट चेक करो, ये हाइट कितनी है। हाँ तुम लोगों ने बताया एल कोस थीटा माइनस एल कोस अल्फा, वो सही है, एल कोस थीटा एंड एल कोस अल्फा, डेविलिना और सोनिया, ये सही आंसर है। तो एच जो है ये हाइट चेक करो कितनी है, ये हाइट देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, ये इसका रेडियस आर है, रेडियस आर, तो फिर ये साइड बताओ कि कितनी है, ये साइड कितनी है, ये साइड, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल थीटा अगर है, ये थीटा एंगल है, ये तुम्हारा, ये तुम कह रहे हो कि आर है, तो ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट बताओगे जरा, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज आर, तो बेस कितना होगा, आर कोस थीटा, और ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये एक और राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल अल्फा बनता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे है, एंगल थोड़ा ज्यादा हो गया था अल्फा, और ये फिर आ रहा है, तो ये कितना है, ये फिर से बेस है, तो ये आर कोस अल्फा है, तो एच हमारा आ जाता है, एच इज आर कोस थीटा माइनस आर कोस अल्फा, आर कोस थीटा माइनस आर कोस अल्फा इज एच हाइट,
तो अब डेल्टा यू प्लस डेल्टा के हम यूज कर रहे हैं, कंफर्टेबल है क्योंकि अब पता लग गया हाइट कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी में पता है, तो यहाँ की वेलोसिटी वी तुम कैलकुलेट कर सकते हो और ये लोवेस्ट लेवल है, तुम इसको रेफरेंस लेवल मान लेते हैं, ये रेफरेंस लेवल है, यहाँ पर हाइट जीरो है, ये फाइनल भी है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज जीरो, क्योंकि एक ही फोर्स काम करता है यहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स है वो, तो यू फाइनल इज जीरो, यू इनिशियल इज एम जी इंटू हाइट, हाइट तुम लोगों ने मुझे बताई है कि आर कॉस थीटा माइनस आर कॉस अल्फा है, प्लस के फाइनल हमें कैलकुलेट करना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के इनिशियल इज जीरो, इट वाज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इट इज जीरो, सॉरी माइनस जीरो इज इक्वल टू जीरो, के इनिशियल इज जीरो, तो यहां से आता है कि एम वी स्क्वायर हम कैलकुलेट करें क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए तो वही होता है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम जी आर कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा, ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू होगी। अब जिस पॉइंट पर से कॉन्टैक्ट लीव किया है, और कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल इज जीरो, कॉन्टैक्ट लीव करने का मतलब है नॉर्मल इज जीरो, यहां पर से कॉन्टैक्ट लीव किया है, एंगल अल्फा पर आने के बाद हमें अल्फा ही तो कैलकुलेट करना है, कितना एंगल है वो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, तो ये आर है, अल्फा एंगल पर वो आया, तो इस पॉइंट पर डाउनवर्ड एमजी इधर नॉर्मल लगेगा, इस तरफ एमजी कोस अल्फा, इधर एम जी साइन अल्फा, तो तुम्हें क्या लगता है इसकी डायनेमिक इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर और क्योंकि यहां पर अल्फा एंगल पर वो कॉन्टेक्ट लीव करता है, मीन्स एन इज जीरो, तो एम जी कोस अल्फा is equal to 2mg cos alpha minus n के साथ right hand side पर है, उसको left hand side पर ले आते हैं, तो mg से mg वैसे cancel हो गया, तो हो गया 3 cos alpha is equal to 2 cos theta, तो फिर theta कितना हुआ, cos theta is थीटा तो गिवन है ना, अल्फा चाहिए हम लोगों को, अल्फा कॉस अल्फा कितना हुआ, कॉस अल्फा इज 2 बाय 3 कॉस थीटा, कॉस अल्फा इज 2 बाय 3 कॉस 30, दैट इज रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस अल्फा इज 1 बाय रूट 3, अल्फा की वैल्यू जब 1 बाय रूट 3 हुई तो उसने कॉन्टेक्ट लीव कर दिया, मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, बताओगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पर आया, ये एंगल कितना है, ये एंगल बताओगे कितना है, ये एंगल अल्फा माइनस थीटा, ये हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवलिंग ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर लीविंग द सर्कल, मैं लिखता हूं डिस्टेंस डी, डिस्टेंस होता है आर्क लेंथ, एक्चुअली कैलकुलेट करनी है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इस एंगल, एंगल तुमने बताया मुझे अल्फा माइनस थीटा है, एंगल तो रेडियस इनटू एंगल इज आर्क लेंथ इज डी, तो आर अल्फा माइनस थीटा इज कॉस इनवर्स 1/√3 माइनस π/6 इज द एंगल, रेडियन में लिखा है इसको, ये तुम्हारा डिस्टेंस आ गया।
डिस्टेंस डी। समझ में आया है क्वेश्चन? तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, है ना, एक्सेलरेटिंग, ये नीचे जो स्फीयर है ये एक्सेलरेट कर जाए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा 15-20 मिनट का। बाकी पावर के क्वेश्चन किए क्या तुम लोगों ने? पावर में कुछ प्रॉब्लम आई? ठीक है पावर सर, ठीक है। कल फिर मैं एलन शेयर करूंगा 2 दिन उसके, उसके बाद फिर अपना एक बार फिर से गो थ्रू करना सारे जो जो डाउट्स आए थे उनको फिर से रिपीट करना, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। संडे तक तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? अभी सेशन ओवर।